हाल ही में टीवी इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये खबर है मशहूर एक्ट्रेस हिना खान की हेल्थ कंडीशन से जुड़ी। हिना खान को थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। हालांकि हिना खान पूरी जिंदा दिली के साथ इस जंग से लड़ रही हैं, लेकिन अगर रिकॉर्ड्स की माने तो पिछले कुछ सालों में युवा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले ज्यादा निकलकर सामने आए हैं, जबकि ये वृद्ध अवस्था की बीमारी मानी जाती थी। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर चिंतामणि, जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल से। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, ये होता कैसे है और क्या इसकी वजह है और क्या पहचान है? आम तौर पे ऐसा माना जाता था कि वृद्धावस्था का ये कैंसर है। ज्यादातर कैंसर वृद्धावस्था में ही होते थे जी। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर और खास तौर पे इंडियन ब्रेस्ट कैंसर, इसमें एक खास चीज नोटिस की गई है कि दो पीक्स होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, एक तो 40s में और दूसरी 60s में, यानी 30-40 के एज में और दूसरा 60s में। और हमने ये देखा इसमें कि जो ये 30-40 वाली जो रेंज है, इसमें ज़्यादा एग्रेसिव तरह का कैंसर, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलने वाला कैंसर पाया जाता है। आपने बताया स्टेज 3 में पता लगा, तो जाहिर है जागरूकता की ज़रूरत है। और इतनी देर तक अगर ब्रेस्ट में वो लंप रहा तो उसकी जानकारी अगर हो, जागरूकता हो, तो उसको थोड़ा जल्दी हम पकड़ सकते हैं। दूसरा सवाल आपने जो किया कि क्या क्या इसके कारण है और फिर लक्षण। आज ब्रेस्ट कैंसर से हर 9 मिनट 10 मिनट में एक महिला में डिटेक्ट होता है, और कहा जाता है कि हर 18 मिनट में एक महिला की इससे जान जाती है। डाइट से रिलेटेड है, जैसे कि कहा जाता है रेड मीट, नॉन वेजिटेरियन डाइट, प्रिजर्व्ड फूड, बाहर का खाना। सरल भाषा में अगर बताया जाए तो मांस मदिरा का सेवन, स्मोकिंग, जो कि पहले हमारे देश में देखी नहीं जाती थी महिलाओं में खासतौर पर, उसका भी योगदान है। और जब स्मोकिंग हम बोलते हैं तो इसमें मेनली टोबैको से मतलब है। ज़रूरी नहीं कि कोई च्यू करता है तो या पान मसाला लेता है तो उसका नुकसान नहीं है। स्मोकिंग वही है जो कि जिसमें भी निकोटिन है वो नुकसान करता है। अल्कोहल का तो नोन और इस्टेब्लिश नुकसान है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओबेसिटी, यानी वजन बढ़ना, जो कि मोटापा जिसे बोलते हैं, उसका भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। दूसरा एक और चीज़ कि आज माना जाता है कि जो मदर्स मिल्क भी है वो भी कंटैमिनेटेड है, जो कि सबसे प्योर डाइट हुआ करती थी। वो कंटैमिनेट इसलिए हुई कि मदर जो खाना खाएगी उसी से वो मिल्क में वो आएगा। तो जो हमारी डाइट में जो इवन वेजिटेबल्स भी जो हैं उनमें जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो छिड़कते हैं, जो नॉन ऑर्गेनिक ये जो चीज़ें जो डाइज वगैरह यूज़ होती हैं, इन सबसे, तो ये मिला जुला के एक बहुत लंबा चौड़ा फेरिस्ट है। लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये है, एनवायरनमेंट वाले फैक्टर्स जी। जैसा कि आपने अभी अभी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड भी बताया, जो मिल्क है वो कंटामिनेटेड है, तो ये भी जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर का ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी अगर किसी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है और वो तब तक डिटेक्ट नहीं हुआ है और वो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो बच्चे पर भी कोई असर देखने को मिलता है? पहला जवाब तो है नहीं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से मुझे जो मैं अभी पद्धति की बात कर रहा था उसमें वो रह गई थी कि जो लेट मैरिजेस हैं, अब ये हमारे देश में भी ये चलन है। और लेट प्रेगनेंसी है कि जितनी प्रेगनेंसीज जितनी होती हैं वो प्रोटेक्टिव हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इसका मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो कैंसर कम होगा, तो फिर किसी और तरह के कैंसर या और समस्याएं बढ़ेंगी, वो नहीं मैं कह रहा। लेकिन लेट मैरिजेज, लेट प्रेगनेंसीज और ब्रेस्ट फीडिंग, जो कहा जाता है कि 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करती हैं वेमेन, उनका प्रोटेक्शन बहुत होता है। कम से कम 6 महीने की ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव है, ऐसा माना जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में एक बड़ा प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है। दूसरा आपने पूछा ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे में ट्रांसफर होगा, वो सही नहीं है। वो सही जो मिल्क में वो उस तरह की कोई, ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, मतलब ये कोई एक से दूसरे में जाने वाली डिजीज नहीं है। हाँ, जेनेटिक जरूर है। बात हम ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण की करें तो ऐसे वो कौन से लक्षण हैं जो देखे जा सकते हैं और समय रहते हम इसको अर्ली डायग्नोस्ड भी कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें ना अगर आप कहना करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यू मस्ट फाइंड इंडियन सॉल्यूशंस टू इंडियन प्रॉब्लम्स, अपने देश की समस्याओं का हल इस देश में ही निकलना चाहिए। लेकिन वेस्ट और इंडियन के ब्रेस्ट कैंसर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये कहा जाता है कि वहाँ तो दे आर ट्रीटिंग इमेजेस, यहाँ वी आर ट्रीटिंग लम्ब्स, यानी कि वो तो सिर्फ इमेजेस को ट्रीट कर रहे हैं और हम यार बड़े बड़े लम्ब्स को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया स्टेज 3। हमारे देश में क्योंकि
ये कैंसर जैसे कि आपने शुरू में ही बोला युवा अवस्था में भी हो रहा है, तो उस स्क्रीनिंग की एज वो है भी नहीं, तो उस स्टेज पे मुख्य लक्षण जो होंगे या तो कोई गांठ होगी जिसे हम लंप बोलते हैं या कोई आर्किटेक्चुरल डिस्टॉर्शन होगा। तो इसमें एक महिला जागरूक है और ख़ासतौर पर ब्रेस्ट जागरूक मैं उसको बोलूँगा, जिसको अपने स्तन के बारे में खुद पता है यानी ब्रेस्ट अवेयर है वो, तो वो डिटेक्ट कर सकती है माइनर भी कोई चेंज हो, जैसे थोड़ी सी भी कहीं डिम्पल या कहीं एब्रेशन कहीं दिखे, और ख़ासतौर पर पीरियड्स के बाद नहाते समय जब आपके हाथ में साबुन हो तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक बड़ा ही यूजफुल मेथड है जल्दी डिटेक्ट करने के लिए। तो आम तौर पे कोई भी माइनर ऑब्जर्वेशन जो भी चेंज आप देखें ब्रेस्ट में वो एक अर्ली फीचर हो सकता है। लोगों में ना कैंसर को लेकर एक डर है, एक खौफ है, कैंसर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं कि अब इलाज जो है वो संभव नहीं है। तो बात हम ब्रेस्ट कैंसर की कर रहे हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जा सकता है, और जैसे कि बात अगर थर्ड स्टेज की करें तो क्या थर्ड स्टेज पर भी ये क्योरेबल है या नहीं? देखिए, इसके लिए आपको समझना होगा क्योर क्या है, क्योंकि क्योर अपने आप में अलग डेफिनेशन है। क्योर का मतलब ये है कि एक स्टेज पे आपके शरीर में कैंसर की कोशिकाएं नहीं है, या आपके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, ये क्योर होगा कायदे से, तो ये संभव है। अब आई बात स्टेज थ्री स्टेज टू, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि लूजली लेमेन जो उसको यूज करते हैं वो स्टेज टू स्टेज थ्री वैसे नहीं होता। कई बार हम जो ट्यूमर का साइज है उसके बेसिस पे स्टेज थ्री बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। स्टेज थ्री अपने आप में एक एग्रेसिव और एडवांस कैंसर कहता है। तो हम मुख्यतः कैंसर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो अर्ली और एक एडवांस्ड। आसान है ये समझना, अर्ली वो यानी कि अगर ब्रेस्ट तक कन्फाइंड है और ज्यादा से ज्यादा एक्जिला यानी आर्म पिट यानी कि बगल यहां तक गया है, यानी इसको लोकल ब्रेस्ट कैंसर की बात, और ज्यादा से ज्यादा यहां तक पहुंचा है। दूसरा है एडवांस्ड, वो यानी इससे निकल के और दूर चला गया, या यहीं पर या तो खाल या स्किन को इन्वॉल्व कर लिया या चेस्ट वॉल को इन्वॉल्व कर लिया, उसको बोलते हैं लोकली एडवांस्ड। एडवांस्ड है लेकिन लोकल है, अभी भी सीमित है। और जो आखिरी वाली जो स्टेज मेटास्टेटिक जो होता है, मेटास्टेटिक का मतलब वहां से निकल के अब या तो दिमाग में या हड्डियों में या लिवर में या लंग्स में शरीर के किसी और हिस्सों में फैल गया। उस स्टेज में क्योर थोड़ा सा मुश्किल है। इसके पहले वाली जो मैंने स्टेजेस बताई, जब तक सीमित है तो डेफिनेटली क्योरेबल है। अब उसको कहने से पहले मैं ये क्वालिफाई करूंगा कि लाइटर हल्की स्टेटमेंट कैंसर से लेके नहीं देनी चाहिए। स्टेज मतलब उसको लोकली एडवांस तक जाने नहीं देना चाहिए, समय पर उसको रिपोर्ट करना चाहिए। मैं कतई ये नहीं बोल रहा कि आप आराम से बैठें और वेट करें, ये तब भी क्योरेबल है। अच्छा डॉक्टर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो यंग लड़कियां हैं उनमें भी अब ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो क्या आप यंग लड़कियों को सलाह देंगे कि किस तरह से वो अपना बचाव कर सकती हैं इससे, और कैसे बचा जा सकता है? जैसे मैं भी एक यंगस्टर हूँ, तो हर किसी को एक खतरा जो है वो रहता है कि अब जो एक बीमारी है और ये जो दौर है ये कैंसर का दौर ऐसा आने वाला है, ऐसी भी बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, तो कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और पहली चीज़ तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि देर इज नो पॉइंट डाइंग बिफोर डेथ कम्स, मरने से पहले मरना नहीं चाहिए। पहला, जो आप खाते हैं वही आप बन जाते हैं, व्हाट यू ईट यू बिकम। तो आप अगर भोजन नियमित, ये नहीं कि चलते हुए फास्ट फूड उठाया और कुछ भी खा लिया, तो ये आपके लिए समस्या है। दूसरा, हाई रफेज, जितनी ज़्यादा हरी सब्जियाँ, खूब सारा पानी, एक्सरसाइज। ये मान लेना कि मैं तो रोज़ अपने ऑफिस चार सी मंजिल चढ़ के जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरी एक्सरसाइज हो गई, ये नहीं। कंट्रोल्ड एक्सरसाइज, चाहे आप आधा घंटा करें, यूज़फुल है। चौथा, एनवायरनमेंट वही रखें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्शियन प्रोवर्ब है, तुख्म तासीर सोबते असर। एक तो तासीर होती है बीज की और सोबत का असर, ये दो चीज़ें मिला करके ज़िंदगी बनती है। तुख्म माने सीड होता है पर्शियन में। तो आप अगर लाइफस्टाइल अपनी कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। पहला, ये एक इट मे साउंड लाइक ए सर्मन लेकिन प्लीज़ इसको मान लें, ये काम की बात है। दूसरा ये कि आज हम जिस दौर में हैं ये नहीं आप कंट्रोल कर सकते। आप
इस दुनिया में रहते हैं, आप इस दुनिया को बनाते नहीं हैं, तो आप जाहिर है जैसी दुनिया है उसमें रहेंगे। आप अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खाने पे, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करें, एक्सरसाइज खूब सारी करें, मोटापा ना होने दें, और आखिरी में टेंशन और स्ट्रेस किलर्स हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर से नहीं तो किसी और चीज़ से वो मारेंगे। स्ट्रेस का कोई किसी को आज तक लाभ नहीं हुआ। जी, बात अगर अवेयरनेस की करें तो कैसे हम जनता को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी काम यही है असल में, बाकी चीज़ें तो वो समझ सकते हैं, कुछ पढ़ भी सकते हैं इधर उधर से। जागरूकता, अगर आप किसी सोते हुए आदमी को उठाएं तो संभव है, लेकिन अगर वो सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना, इफ़ ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी स्लीप यू कांट वेक हिम अप। तो ये जिस तरह का ये प्रोग्राम है जिसके लिए मैं आपको मुबारक देता हूँ, इस तरह के प्रोग्राम्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने चाहिए। जी, हमारा जो जीवन का जो आजकल, अगर जैसे ही आप टेलीविजन देखते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, हमें सिवाय पॉलिटिकल डिबेट्स के और कुछ सुनने को या देखने को मिलता नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड हमारी अटेंशन बड़ी लिमिटेड है, हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस हेल्थ केयर की तरफ बहुत कम है, हेल्थ इस देश की प्रायोरिटीज़ में नहीं आता, आना चाहिए। जाते जाते बस एक सवाल मैं आपसे एक और करना चाहूंगी, वो ये कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जो लंप की बात हम कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल गांठ और लंप जो होता है उसमें डिफरेंस कैसे किया जा सकता है, महिलाएं कैसे कर सकती हैं, उसके बारे में आप बताएं। बहुत सुंदर सवाल। देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ हाईलाइट करूँगा, और आपने ये बड़ा सही समय पर उठाया सवाल। एक सामान्य गांठ और कैंसर की गांठ में बहुत से फ़र्क होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट वाले कौन से हैं जो आपकी समझ में आए? उनमें पहला ये कि आम तौर पे जो जिसमें दर्द हो वो कैंसर की गांठ नहीं होती शुरू में, बाद में हो सकता है कैंसर की गांठ में भी दर्द, लेकिन आम तौर पे अगर कोई गांठ ब्रेस्ट में हुई और वो पेनफुल है तो उसके चांसेस थोड़े कम हैं कि वो कैंसर है, पहला। तो जो पेन नहीं कर रही वो ज़्यादा समस्या वाली गांठ है। तो इससे आप एक तो जागरूकता ये हुई, पहला। दूसरा, एक गांठ ब्रेस्ट में डिटेक्ट हुई और वो सडनली बढ़ना शुरू हो गई, उसकी ग्रोथ जो है आप ही नोटिस कर सकते हैं, कोई आप ब्रेस्ट अवेयर खुद होना पड़ता है, उसकी रैपिड इंक्रीज यानी वो फटाफट बढ़ रही है, वो डाउटफुल हो गई। एक जो मोबाइल गांठ थी, मतलब वो इधर उधर घूम रही थी, जैसे फाइब्रोडिनोमा बोलते हैं उसको, ब्रेस्ट माउस बोलते हैं, इधर उधर घूमता रहता है, वो फिक्स हो गई, तो वो खतरनाक लक्षण है। चौथा, पेनलेस थी पहले, मतलब दर्द कुछ नहीं था, अब पेन होने लगा, तो भी गड़बड़ है जी। तीसरा, उसकी जो कंसिस्टेंसी यानी वो पहले सॉफ्ट थी या फर्म थी, कैसे बताएं उसको, हल्की थी, मतलब नरम थी, अब हार्ड हो गई यानी सख्त हो गई, वो खतरनाक है। तो ये चेंजेस हैं किसी भी आम गांठ से कैंसर की गांठ में बदलाव के। दूसरा, अगर निपल एरियोला, निपल पुल हो रहा है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, या ब्रेस्ट में कोई डिप्रेशन जिसको हम डिम्पल बोलते हैं, डिम्पलिंग हो रही है, या कहीं पे स्किन जकड़ रही है, या स्किन में आर्किटेक्चर कम हो रहा है, या निपल एरियोला आपका या ब्रेस्ट ऊपर की तरफ पुल हो रहा है, ये कैंसर के लक्षण हैं। निपल से डिस्चार्ज हो रहा है, निपल से डिस्चार्ज, सारे डिस्चार्ज जो हैं वो कैंसर नहीं होते, उसके लिए एक फॉर्मूला है SS का जो कि हम सबको पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, सिंगल डक्ट सिंगल साइड स्पॉन्टेनियस सीरस, यानी अब इसको मैं साधारण भाषा में बताता हूँ, एक तरफ सिर्फ डिस्चार्ज है दूसरी तरफ नहीं है, दूसरा बिल्कुल सीरस है, क्लियर है, वो ज़्यादा खतरनाक है, मान लीजिए आपको ताज्जुब होगा, तीसरा अचानक से डेवलप हुआ और कुछ नहीं है, स्पॉन्टेनियस, और एक ही डक्ट से आ रहा है, तो चांसेस हैं कि ये खतरनाक है। ब्लडी डिस्चार्ज यानी ब्लड है डिस्चार्ज में, उसका कम खतरा है, खतरा उसका भी है, पेपिलोमा ज़्यादा होता है उसमें, कैंसर कम होता है। तो ये मुख्यतः ब्रेस्ट में एक गांठ का होना अपने आप में किसी को दिखाने के लिए ज़रूरी है। अगर गांठ आपने दिखा दी, उसमें बीच में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया सडनली बढ़ने लग गई या हार्ड हो गई या फिक्स हो गई, तो वो, और या उसने स्किन को जकड़ लिया या निपल एरोला कॉम्प्लेक्स ऊपर हो उठ गए, ये खतरनाक है जी। चलिए, तो ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी तमाम जानकारी जो है वो हमने हासिल करी है डॉक्टर से। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया TV। थैंक यू।